Hey everyone, what's up? My name is Jayaj and welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 important update. पहली अपडेट है regarding Quebec students. और second information है for people who have taken co-vaccine. और third part में I will clear your doubts regarding कि आप कितने weeks पहले Canada travel कर सकते हैं before the start of your course. कि आप 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आप जा सकते हैं to Canada before the start of your course. But guys, before moving forward, do subscribe to my channel and press the bell icon to get notified as soon as I post a new video. क्योंकि मैं ऐसे ही updates और information आपके साथ share करता रहूँ. और मैंने आज ही अपनी पासपोर्ट भी सेंड की है फॉर माय पासपोर्ट स्टैम्पिंग. वो कितने समय पे बीएफएस पहुंच रही है, बीएफएस से आईआरसीसी जा रही है और कब वो रिटर्न होती है मेरे पास, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैनल में. सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नेक्स्ट अपडेट है फॉर द क्यूबेक स्टूडेंट्स. और आप देख सकते हैं द कनाडा हाई कमीशन इन इंडिया एंड द इंडियन हाई कमीशन इन मॉन्ट्रियल एज वेल, ये बोथ एक्नॉलेज कर रही है दैट दे आर प्रोसेसिंग द फाइल्स ऑफ क्यूबेक स्टूडेंट एज सून एज पॉसिबल. कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट्स डेस्टाइंड टू क्यूबेक आर बीइंग एक्टिवली प्रोसेस्ड. इफ नीडेड सम एप्लीकेंट्स हैव बीन कॉन्टेक्टेड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन. वंस द एप्लीकेशंस रिस्पॉन्ड देयर एप्लीकेशन विल बी फाइनलाइज्ड. और इंडियन हाई कमीशन इन मॉन्ट्रियल ने भी ये लिखा है कि ऑल कंप्लीट स्टडी परमिट एप्लीकेशंस डेस्टाइंड टू द प्रोविंस ऑफ क्यूबेक are requested to be patient as you have already uploaded additional documentation requested by the High Commission of Canada. Then for sure your application will be prioritized and finalized as soon as possible. So all the students who have applied in Quebec and waiting for the results, rest assured ki aapki application ki process Canada High Commission jaldi start karenge. Aur agar IRCC ne aapse additional documents puchi hai aur aapne time pe hi submit kar di hai, then definitely wo aapki application ko prioritize karegi aur aapko jaldi result de dengi. So now let's move on to the second point. So ye recent update ki wajah se aap save kar paoge more than $1,000. Aap vaccinated ho ya you are not vaccinated, aapne Covishield li hai ya Covaxin li hai, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. Yes guys, because 9th of August से होटल क्वारंटाइन को टोटली एबॉलिश कर दी गई है. क्योंकि आप ये हेल्थ कनाडा की ट्वीट में देख सकते हैं, नंबर 7 जो ट्वीट है इसमें क्लियरली लिखा है ऑल ट्रैवलर्स टू कनाडा विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल. Yes guys, जैसा कि आप जानते हैं जब आप कनाडा को एंटर करते हैं देन यू हैव टू क्वारंटाइन फॉर 3 डेज इन अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल जिसकी कॉस्टिंग वेरी करती है $1,000 से $1,500 Canadian. मगर एज ऑफ नाउ फॉर ऑल ट्रैवलर्स वेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड, अगर आपने कोविशील्ड ली है या कोवैक्सीन ली है या पुटनिक ली है, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि होटल क्वारंटीन इज गोइंग टू एंड फ्रॉम 9th of August. सो इफ यू आर पार्शली वैक्सीनेटेड और यू आर वैक्सीनेटेड विद कोवैक्सीन और स्पुटनिक which is not authorized by the Canadian government, then you still have to quarantine for 14 days, but not in a government-authorized hotel, जिसकी costing बहुत ही ज़्यादा होती है. You can choose by yourself, आप कहाँ quarantine करना चाहते हो, like any Airbnb, hotels, आपकी friend के room पे, जहाँ पे एक separate room है, bathroom है, या आपकी family के किसी जान पहचान के घर पे, जहाँ पे आपका separate bathroom और room है. And if you are vaccinated with Pfizer or Covishield, then आपको quarantine करनी ही नहीं पड़ती है. और जिन्होंने Covaxin या Sputnik ली है, उनको at least hotel quarantine नहीं करनी पड़ेगी, और उनके almost $1,000 बच जाएंगे, which is a very good news. और third point पे बात करते हैं कि आप कितने वीक्स पहले ट्रेवल कर सकते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर क्लासेस. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो 3 वीक्स, 4 वीक्स या 1 महीने के पहले ट्रेवल कर सकते हैं टू कनाडा इफ यू आर स्टूडेंट. तो इसका आंसर है मैक्सिमम 4 वीक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर क्लासेस. क्योंकि ये आप आईआरसीटीसी के वेबिनार में देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इन द लास्ट पार्ट रेड में, डू नॉट मेक ट्रेवल प्लान्स अंटिल All requirements/authorizations have been received. और उसके बाद maximum 4 weeks in advance of your classes. Yes guys, आपकी जब class start होगी उस डेट से at least 4 weeks पहले आप travel कर सकते हैं. And which is exactly 28 days. और अगर आप 29 day भी पहुंचते हैं then they will again send you back. वो आपको enter नहीं करने देंगे into Canada. So make sure you travel within the 28 days before your start of your classes. So guys, that's it for this video. अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो click the like button, comment down below if you have any questions or queries. I will definitely get back to you. And do subscribe to my channel and press the bell icon to get notified as soon as I post a new video. Till then, see you later. Peace out.